हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं हूं माद लतीफ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। और गाइस थैंक यू सो मच, हम आप जो है ना हमारी बातों से एग्री कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया, अगर आपको हमारी कोई बात अच्छी ना लगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। हमें अच्छा लगता है हमारी करेक्शन की जाए अगर, और क्योंकि इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं। अगर कोई गलत बात यूज़ हो गई हो या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई हो तो नीचे हमारी करेक्शन ज़रूर किया करें। हमें अच्छा लगता है कि हमारी कोई करेक्शन करे। तो इंसान जो है ना, वही कहते हैं ना, खताओं का पुतला है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। तो प्लीज़ नीचे आके पॉजिटिव वे में, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पॉजिटिव वे में जो है ना रिएक्शन दें। कभी भी हमारा जो व्यू होता है ये नहीं होता किसी को नीचा दिखाना या नेगेटिव पॉइंट्स देना, ठीक है। तो अब ज़रूर हमें जो है ना नीचे करेक्शन किया करें, हमें खुशी होती है इस बात की। तो गाइस एक जो है ना पंगा हो गया है, आपको शायद पता होगा, बल्कि मोस्टली पता है आपको, कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो है ना ड्रोन अटैक हुआ है, ठीक है। अब पंगा डला हुआ है कि पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया है, ठीक है ना। इस चीज़ पे जो है ना पंगा डला हुआ है, और ये इस चीज़ पे ये वीडियो बनी हुई है मेजर गौरव आर्या की। मुझे मेजर गौरव आर्या डिस्कस हुई जम्मू एयर फोर्सेस में जो है ना, कमर चीमा साहब जो पाकिस्तानी है, इनका जो है ना मुकाबला हो रहा है सख्त जो है ना इस मेजर गौरव के साथ। और मैंने वैसे आज तक कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं कि मेजर गौरव से कोई जीत जाए, क्योंकि यार इनकी नॉलेज, इनका जो है ना बहुत बोलने का अंदाज और मौके पे जवाब देने का जो है ना एक पावर जो होती है वो किसी किसी के पास होती है, और वो पावर मैंने मेजर गौरव के अंदर देखी है, ठीक है। तो बाकी ये वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आखिर इसमें क्या मसालेदार गुफ्तगू हुई है दोनों कंट्रीज के जो है ना बंदों के दरमियान। तो मेरे ख्याल से वीडियो को जो है ना स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के, काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट। एक मिनट चीमा साहब, चीमा साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं है, चीमा साहब बीपी बढ़ जाएगा, बात तो सुन लो मेरी, ठीक है साहब, ठीक है, हम लोगों की गलती है, मैं मान तो रहा हूँ, आप शांत हो जाओ। चीमा साहब मेरी बात, कमर चीमा आपके लिए पानी, ये लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ, मैं आपसे, आपको भारत भेज, आप ड्रोन भेजते हैं, मैं पानी दे रही हूँ, लीजिए पीजिए पानी। ये वाला बेच के इंडस वाला रोक लेंगे। अब मेरी बात सुनिए चीमा साहब, ऐसा है, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ। श्वेता का एक छोटा सा ये सवाल है सर, कि आप एक बात बताइए, आपने ये आतंकवादी गतिविधि क्यों करी, ये दहशतगर्दी का जो वाकया था ये आप लोगों ने क्यों प्लान करा, एयरफोर्स की नाकामी, आर्मी की नाकामी, ये सब किसकी नाकामी सर, किसकी नाकामी होती है? अगर कोई मेरे घर में आए, ठीक है, और पत्थर फेंक के चला जाए मेरे ऊपर, तो मेरी नाकामी है। आप लोग इसीलिए तो FATF की ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि जो टेररिस्ट है आप उसको दोष नहीं देते, जो टेररिज्म का, सुनिए सर, चीमा साहब मेरी बात सुन लें, चीमा साहब सुन लें सर, ये बीपी बढ़ जाएगा आपका, मेरी बात सुन लें चीमा साहब। ऐसा है ना कि आप लोगों की फौज एक बार 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेज पाई बॉर्डर पर लड़ने के लिए, पाकिस्तानी फौज एक बार 10 लोगों का सेक्शन नहीं भेज पाई, 10 लोग होते हैं इन्फेंट्री के सेक्शन में, एक बार फौज नहीं भेज पाई लड़ने के लिए, ये सर ये 50-60 हज़ार रुपए के ड्रोन भेज के क्या कर लोगे, और क्यों भेजते हो ड्रोन, ये आमने सामने की करो ना एक बार सर, मजा आ जाएगा, हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ। अब सुन ले जवाब, और एक आखिरी चीज चीमा साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक बड़ा दुख है आज मुझे सर, पता है क्या दुख इसका है, कि जिसको हम समझते थे कि यहां पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी सर, आज यह दुख है कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला, मुझे इस बात का बहुत दुख है चीमा साहब, मेरा दुश्मन कमजोर निकला, मैं जिसको समझता था कि हाँ थोड़ा सा दो शेरों की टक्कर होगी, अब पता लगा हम तो पता नहीं कि गीदड़ या खरगोश के साथ टक्कर कर रहे थे चीमा साहब, आज दुख हुआ कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला सर, वो बात नहीं है, मैं बता दम नहीं है सर, छोटे छोटे शादियों वाले ड्रोन भेजते हो, सॉरी सॉरी चीमा साहब, मैं बताता हूँ, जी जी बताइए आप, बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए मैं बताता हूँ, $50 अरब से ज्यादा आप अपनी फौज पे खर्च करते हैं, और इसलिए खर्च करते हैं, आपकी फौज से अच्छा काम तो आपका रिपब्लिक टीवी करता है, जो एटलीस्ट शोर तो मचा लेता है, उनको तो बात करनी भी नहीं आती, चीनी आते हैं घुस के मार हमारी, सर हमारी फौज कभी कभी, सर हमारी फौज कभी कभी पाकिस्तान को छोटे से सरप्राइज दे देती है, जैसे चीमा साहब एक सरप्राइज आपको मिला था 1971, अभी 2025 को दूसरा मिलेगा, क्वेटा जाओगे वीजा चाहिए होगा चीमा साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, को छोड़े यार, क्वेटा जाओगे वीजा चाहिए होगा चीमा साहब, बलूचिस्तान घुसते ही, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी होने वाला है, की बात करें, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आप कहते हो ना कि $50 बिलियन का बजट है, $50 बिलियन का बजट है, आप लोग हरकतें ऐसी छिछोरी कर देते हो चीमा साहब, हम लोग बड़े सरप्राइज होते हैं, बड़ा बुरा सा लगता है, इतनी हल्की हरकत है चीमा साहब, एयर चीफ को, चीमा साहब इतनी हल्की हरकत, शादी वाला ड्रोन भेजा आपने, शादी वाला ड्रोन, जो फेरों में बंदा कहता है कि एक मिनट भाभी जी दोबारा जरा वरमाला डालना, वो वाला ड्रोन भेजा आपने, और चीमा साहब ये आपका स्टैंडर्ड है, आप बड़ा दुख हुआ चीमा साहब, इतने सीरियस टॉपिक को आप लोगों ने एक मजाक बना दिया चीमा साहब, शादी वाला ड्रोन भेजा आपने,
आई एम सॉरी चीमा साहब, आई एम सॉरी, शादियों वाला ड्रोन। मजाक तो आप बनाए चीमा साहब, हंसी तो हमको आ रही है, पब्लिक टीवी आपके, हंसी तो हमको आ रही है। चीमा साहब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ इलॉजिकल बात की, वो लॉजिक दिया जाता है, हूल दे दिया जाता है, अरे ऐसा हो जाएगा, डरो डरो शेर आ जाएगा, ये हूल ही देना होता है सर। एक मैं बात कहना चाहता हूँ हामिद साहब से ना, बड़े आईएसआई करते हैं, सुनिए एक बात, मेरी बात सुनो हामिद साहब, मेरी बात सुन लो, ये वही पुराने आप चंडू खाने की देते रहते हो, आईएसआई। जब 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से हटाया आईएसआई, जो वर्ल्ड की आप लोग कहते हैं नंबर वन एजेंसी है, उसको पता तक नहीं लगा, ठीक है, ये सुनिए, ये सब पता था तो क्या कर लिया और आज तक क्या कर लिया, सिर्फ एक काम किया है हामिद जी, सिर्फ एक काम करा है, जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया, उसके अलावा आपने एक काम नहीं करा, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया बाजवा साहब ने, उसके अलावा आपकी आईएसआई ने क्या कर लिया भाई, आप बताओ, 3 साल का एक्सटेंशन लेने के अलावा क्या कर दिया बाजवा साहब ने, क्या कर दिया? मैं वही बोल रहा था कमर चीमा साहब से, मैं वही बात आपकी बता रहा था, मेरी बात सुने, कमर चीमा साहब को मैंने यही बात बोली थी कि एक इन्फेंट्री के सेक्शन में 10 बंदे होते हैं, आप लोगों ने एक इन्फेंट्री का सेक्शन नहीं भेजा, इतनी जरूरत नहीं है, कहने को कोर कमांडर, ये फलाना मेडल, मर्द मोमिन, मर्द हक, मुजाहिदीन, गाजी, लंबे लंबे छोड़ते हो, 10 बंदे नहीं भेजने की हिम्मत, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेजो ना एक बार, भेजो एक बार, हम भी देखें, आप क्या बता रहे हैं सर, क्या बताएंगे मुझे, क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे, सब फ्रॉड है मामला, अरे फ्रेम चला गया, फ्रेम नहीं चला गया, इनकी हिम्मत चली गई, एक्टिविटी की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, लोन के जो कर्ज है उनको चुकाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए उसको लेकर के कर्ज ले रहे हैं, भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम तो है, लेकिन चाहते क्या हैं आप लोग, मारिया मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ड्रोन भेज रहे हैं, लगातार कश्मीर में बातचीत होती है, उसमें आपको प्रॉब्लम है, क्या करना चाहते हैं आप लोग, एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाल के रखा हुआ है, अभी भी आप लोग को चिंता नहीं है अपनी, जो यहाँ पर साजिश रच रहे हैं भारत के खिलाफ, मारिया मारिया मेरे साथ नहीं है, चीमा बताइए, कमर चीमा बताइए, अकेले पड़ गए चीमा साहब, दुनिया में कहीं अकेला मुल्क क्या बताऊं, चीमा साहब कह रहे हैं अकेले ही काफी, आ जाओ चीमा साहब, कम मैडम क्या बताऊं, बताया तो है, क्या बताया, 50 रुपए के ड्रोन की कहानी जो आप बता रहे हैं, मैडम आप इंडियन एयरफोर्स की जंग लड़ रहे हैं और इंडियन आर्मी की जंग आपके स्टूडियो रूम से लड़ी जाती है, उनके ऊपर जो अरबों रुपए थोड़े से दिए एयरफोर्स और फौज की जंग स्टूडियो से लड़ना चाहती है, रामबन का भूल गए, रामगढ़ का भूल गए, अरे कमर चीमा शायना एनसी में आ रही हूँ आपके पास, शायना एनसी में आ रही हूँ, कमर चीमा आपने तो पहले ही हार मान ली, मुझसे कह रहे मैं क्या बोलूं, अरे यही तो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान की, आप लोग को असमंजस में डाल देते हैं, लेकिन ये अटैक क्यों कराया गया, सुनिए आपकी शान में एक और बात बताने जा रही हूँ, जरा सुनिएगा कमर चीमा, शायद आपको अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं है क्योंकि आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ कि आपको बात किस पर करनी है, क्योंकि आपका मुल्क तो ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करता है, ये देखिए ये जो इलाका है, ये जो एयरफोर्स का स्टेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से सैन्य प्रतिष्ठान है, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो 200 मीटर की दूरी पर है, जम्मू कश्मीर पुलिस का मुख्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर है, सैन्य अस्पताल 100 मीटर की दूरी पर है, जम्मू एयरपोर्ट यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन से जम्मू एयरपोर्ट की दूरी 100 मीटर की है, और जम्मू पंजाब राष्ट्रीय राजमार्ग 150 मीटर की दूरी पर है, यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि ड्रोन के जरिए जो विस्फोट यहाँ पर किया गया उसके पीछे का मकसद क्या था, इस पूरी जगह को किस तरह से ये जो जगह हाई सेंसिटिव जोन में आता है इसको टारगेट करने के पीछे का क्या मकसद था, लेकिन मकसद क्या होगा इस पर मैं क्विक रिएक्शन इसके बाद जानना चाहूंगी मुझे गौरव आर्य से, ये वायुसेना की सामरिक ताकत पर हमला है जो पाकिस्तान का दरअसल मकसद है, जो शायद कमर चीमा जिसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूं, दूसरा भविष्य में बड़े हमले से पहले टेस्ट अटैक माना जा रहा है इसे, और यही बात है जो शायद पाकिस्तान
करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो नाकाम साबित हो रहा है। और जरा मैं समझना चाहूंगी इसी बात को कि क्या कुछ ये प्लानिंग है और इसके पीछे का मकसद क्या है। मुझे गौरव आर्या, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये एक पूरा खेल किया गया, ये एक पूरी साजिश की गई, लेकिन जो बात हम यहाँ पर बता रहे हैं उसके पीछे किस तरीके से इन चीजों को समझा जाए। क्या माने कि जो फ्यूचर फ्लॉप प्लानिंग में पाकिस्तान चल रहा है ये है गीदा भपकी की जा रही है ड्रोन के जरिए? देखिए, तीन चार पॉइंट है इसमें श्वेता, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, हम जो हैं ये ना माने कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है इसका मतलब कश्मीर में शांति है। लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति जो है पाकिस्तान की मजबूरी है, यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है ड्यूरन लाइन से लगता हुआ, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां का प्रेशर रिलीव करने के लिए उन्होंने यहां पे शांति करी, पहली चीज। लेकिन कश्मीर को लोग ना भूलें, इंटरनेशनलाइज होता रहे, इसलिए कश्मीर में कुछ ना कुछ वाकया पाकिस्तान करता रहेगा आतंकवादियों के थ्रू, और लोगों को ये बता रहेगा साहब वहां के लोग बड़े परेशान हैं, वहां के लोग ये सब कर रहे हैं। खुद की करीबी गुंडागर्दी, खुद की करीबी टेररिज्म कश्मीरियों के कंधे पर ये लोग डाल देंगे कि लोग कश्मीरियों को बुरा समझे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने का एक और इरादा जो है, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, इन्होंने ये चीज भेजी, वहां पे ड्रोन भेजा, राइट? ड्रोन वापस गया या ड्रोन वहीं पे क्रैश हुआ? क्या फीड भेजा था ड्रोन ने वहां पे? क्या लेआउट लेके भेजा था वहां पे? किसका लेआउट है? जो चीमा साहब कह रहे थे आपका 50 अरब डॉलर का है, मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ड्रोन को लो फ्लाई करेंगे 50 फुट पे तो अमेरिका के पास तक ऐसा रडार नहीं है जो उस ड्रोन को पकड़ ले, ठीक है साहब? फ्लाइंग बिलो द रडार कहते हैं। पूरा ड्रोन तो बहुत छोटा सा होता है चीमा साहब, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट बिलो द रडार फ्लाई कर सकता है, रडार को पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगा था ना जब ओसामा बिन लादेन को मारने आए थे, याद है? तीन तीन हेलीकॉप्टर आए थे, आपको हवा नहीं थी, एबटाबाद के बीच में आया था। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं चीमा साहब। तीसरी चीज वो बड़ी इंपॉर्टेंट, चीमा साहब देखिए फिर वो आप अपसेट हो जाते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुन लो चीमा साहब, सुन लो, एक आखिरी बात सुन, फिर बात करना अपनी, ठीक है? अब सुनो मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो चीमा साहब, क्यों दिल में दुख हो रहा है? मैं तो एक बात बता रहा हूं, आप सुन तो ले मेरी बात। तीसरी बात चीमा साहब, तीसरी बात शादी वाला ड्रोन चीमा साहब सुनिए, ये तो अलाउड नहीं है इंडियन लॉ में, मुझे जेल हो जाएगी, वरना मैं लाइव टेलीविजन में आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है ये, किस तरीके से एक्सप्लोजिव। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर ने ट्रेन कर दिया होगा, क्या दिक्कत है? दो मिनट की चीज है, इंटरनेट पर ट्रेन कर दो। आप वेबसाइट से ड्रोन ले लो, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया अभी वो, मैं उसका नाम वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इंडिया में मिल जाता है ड्रोन। मैं कह रहा हूं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया, ड्रोन पाकिस्तान से। चीमा साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, ये ड्रोन वो नहीं है बड़ा वाला, चीमा साहब मेरी बात सुन लो, छोटा वाला ड्रोन है, आप 50 फुट की हाइट पे करोगे कोई रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हो, आप छोटा सा ड्रोन 50 फुट पर चलाओगे कौन सा रडार पकड़ लेगा? आपको तो पता है बात, आपको बात पता है चीमा साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ये बताओ। आपकी फौज को इतना पैसा लग रहा है, सुनिए, पैसा हम क्या करें, ड्रोन पे गड्डियां फेंके 2000 की, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, पैसा लग रहा है, हमने गड्डियां मार रही है ड्रोन पे, आप पकड़ लिया, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया चीमा साहब, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, आपका सस्ता ड्रोन पकड़ा गया। FATF में अभी एक साल और ग्रे लिस्ट में रहना, ये जो ड्रोन भेजा है चीमा साहब, एक साल और ग्रे लिस्ट में रहना FATF में, इसी की वजह से 500 रुपए किलो चीनी करके मानेंगे हम पाकिस्तान में, 500 रुपए किलो चीनी होगी। मेजर जीडी बख्शी सर के बाद में जाऊंगी, शाह नैन्सी आपके पास में आ रही हूँ। मेजर जीडी बख्शी सर, ये है गीदा भपकी की जा रही है ड्रोन के जरिए? देखिए, तीन चार पॉइंट है इसमें श्वेता, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, हम जो हैं ये ना माने कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति है इसका मतलब कश्मीर में शांति है। लाइन ऑफ कंट्रोल में शांति जो है पाकिस्तान की मजबूरी है, यानी कि जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर है ड्यूरन लाइन से लगता हुआ, जो बॉर्डर है अफगानिस्तान से लगता हुआ, वहां का प्रेशर रिलीव करने के लिए उन्होंने यहां पे शांति करी, पहली चीज। लेकिन कश्मीर को लोग ना भूलें, इंटरनेशनलाइज होता रहे, इसलिए कश्मीर में कुछ ना कुछ वाकया पाकिस्तान करता रहेगा आतंकवादियों के थ्रू, और लोगों को ये बता रहेगा साहब वहां के लोग बड़े परेशान हैं, वहां के लोग ये सब कर रहे हैं। खुद की करीबी गुंडागर्दी, खुद की करीबी टेररिज्म कश्मीरियों के कंधे पर ये लोग डाल देंगे कि लोग कश्मीरियों को बुरा समझे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे करने का एक और इरादा जो है, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, इन्होंने ये चीज भेजी, वहां पे ड्रोन भेजा, राइट? ड्रोन वापस गया या ड्रोन वहीं पर क्रैश हुआ? क्या फीड भेजा था ड्रोन ने वहां पर? क्या लेआउट लेके भेजा था वहां पे? किसका लेआउट है? जो चीमा साहब कह रहे थे आपका 50 अरब डॉलर का है, मैं चीमा साहब को एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ड्रोन को लो फ्लाई करेंगे 50 फुट पे तो अमेरिका के पास तक ऐसा रडार नहीं है जो उस ड्रोन को पकड़ ले, ठीक है साहब?
फ्लाइंग बिलो द रडार कहते हैं। पूरा ड्रोन तो बहुत छोटा सा होता है चीमा साहब, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट, एक पूरा F-16 एयरक्राफ्ट बिलो द रडार फ्लाई कर सकता है, रडार को पता नहीं चलता। जैसे आप लोगों को नहीं पता लगा था ना जब ओसामा बिन लादेन को मारने आए थे, याद है? तीन तीन हेलीकॉप्टर आए थे, आपको हवा नहीं थी, एबटाबाद के बीच में आया था। हो जाता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं चीमा साहब। तीसरी चीज मेजर साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, चीमा साहब देखिए फिर वो आप अपसेट हो जाते हैं ना, मुझे बुरा लगता है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, सुन लो चीमा साहब, सुन लो, एक आखिरी बात सुन, फिर बात करना अपनी, ठीक है? अब सुनो मुझे ये बताएं, मेरी बात सुनो चीमा साहब, क्यों दिल में दुख हो रहा है? मैं तो एक बात बता रहा हूं, आप सुन तो ले मेरी बात। तीसरी बात चीमा साहब, तीसरी बात शादी वाला ड्रोन चीमा साहब सुनिए, ये तो अलाउड नहीं है इंडियन लॉ में, मुझे जेल हो जाएगी, वरना मैं लाइव टेलीविजन में आपको बता दूं कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से एक्सप्लोजिव। कोई भी पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर ने ट्रेन कर दिया होगा, क्या दिक्कत है? दो मिनट की चीज है, इंटरनेट पर ट्रेन कर दो, आप वेबसाइट से ड्रोन ले लो, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं आया अभी वो, मैं उसका नाम वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता, पाकिस्तान में बैन है, लेकिन इंडिया में मिल जाता है ड्रोन। मैं कह रहा हूं कि ड्रोन पाकिस्तान से ही आया, ड्रोन पाकिस्तान से। चीमा साहब सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए, ये ड्रोन वो नहीं है बड़ा वाला, चीमा साहब मेरी बात सुन लो, छोटा वाला ड्रोन है, आप 50 फुट की हाइट पे करोगे, कोई रडार उसको नहीं पकड़ पाएगा। क्या बात कर रहे हो, आप छोटा सा ड्रोन 50 फुट पर चलाओगे, कौन सा रडार पकड़ लेगा? आपको तो पता है बात, आपको बात पता है चीमा साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, ये बताओ, आपकी फौज को इतना पैसा लग रहा है? सुनिए, पैसा हम क्या करें, ड्रोन पे गड्डियां फेंके 2000 की, बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, पैसा लग रहा है, हमने गड्डियां मारनी है ड्रोन पे, आप पकड़ लिया, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया चीमा साहब, आपकी साजिश का पर्दाफाश हो गया, आपका सस्ता ड्रोन पकड़ा गया। FATF में अभी एक साल और ग्रे लिस्ट में रहना, ये जो ड्रोन भेजा चीमा साहब, एक साल और ग्रे लिस्ट में रहना FATF में, इसी की वजह से। 500 रुपए किलो चीनी करके मानेंगे हम पाकिस्तान में, 500 रुपए किलो चीनी होगी। बाद में जाऊंगी शाह नैंसी, आपके पास में आ रही हूँ जी डी बख्शी सर। देखिए बात ऐसी है, मैं फिर पाकिस्तान, चीमा साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चीमा साहब सुन लीजिए, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अपनी फौज के साथ, आपकी फौज में कुछ हॉट हेड कोर कमांडर साहब हैं जिनको बड़ी रंजिश है कि जो बाजवा साहब की एक्सटेंशन से उनके प्रमोशन के चांसेस खलास हो गए, और हम देख रहे हैं कि उनमें जो चुलबुली है वो अब थोड़ी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है। देखिए चीमा साहब, जो बाजवा साहब नहीं कर पाएंगे वो हम कर देंगे, डिसिप्लिन कर देंगे हम आपके कोर कमांडरों को, जो बेवजह तंग आपके बाजवा साहब तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे कि बीती बातें भूल जाइए, ये सब तरीका है बीती बातें भुलाने का, तो हम आपको नए किस्से सुनाएंगे। आपको नए किस्से सुनाएंगे, अगर आपको भूल गया किस्सा चीमा साहब ने बोल दिया सर्जिकल स्ट्राइक का, आपको भूल गया किस्सा, नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो चालू हुआ है जनरल बख्शी सर, चालू हुआ है साहब, आप इतने जल्दी हताश हो जाओगे जनरल बख्शी सर, जंग जनरल बख्शी सर, कमर चीमा ने आज साफ बोल दिया है, जिम्मेदारी है कमर चीमा साहब ने आज साफ तौर पर एक बात बता दी है, साफ तौर पर कमर चीमा साहब ने बात बता दी है, पाकिस्तानी फौज को धमकी दोगे तो हम सरेंडर कर देंगे, साफ कह दिया, धमकी मत देना वरना पाकिस्तानी फौज हथियार डाल देगी जमीन पर, जैसे 71 में डाले थे। कोई बात नहीं चीमा साहब, कोई बात नहीं, हम नहीं देंगे धमकी नहीं देना। धमकी दी तो पाकिस्तानी फौज भाग जाएगी, नहीं चीमा साहब नहीं देंगे साहब, आपको क्या करें, आपको कुछ करारा चटपटा करके दिखाए, हमारी फौज लड़ेगी, आपकी फौज कब लड़ी है 5 अगस्त के बाद तो लड़ी नहीं, जो वाकई में लड़ने वाले होते हैं तो वो सामने से आते हैं, रात के अंधेरे में छुप करके वार करने वाले को क्या कहते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, वीडियो हो गई है एंड यहाँ पे, तो मैंने जैसे कहा था ये बहुत गलत एक किस्म है, जिन्होंने कार्रवाई हुई है, पंगा हुआ है जी का ना, जम्मू के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है उसके ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ। अब बेसिकली बात ये चल रही है कि इंडिया कह रहा है, जैसे मेजर गुरुवारिया साहब और सारी इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो है अटैक किया है, ठीक है, और पाकिस्तान ये मौक़ अपना देना चाह रहा है कि हमने ये नहीं किया,
इंडिया हमें ग्रे लिस्ट में जो है ना रखवाना चाहता है मजीद, इसलिए उसने खुद ही अटैक किया और हम पे जो ना इल्जामात लगा रहा है। अब ये दोनों साइड से जो है ना ये चल रही है। अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि अगर ड्रोन आया तो आपका जो है ना रडार सिस्टम कहाँ पे था, उसने काम क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं बताया कि जो है ना ड्रोन आ गया पाकिस्तान से। अब इंडिया इस पर कह रहा है कि जो ड्रोन है वो रडार सिस्टम से नीचे था, ठीक है, वो रडार सिस्टम से नीचे नीचे आया और कुछ रेंज होती है जब उसके नीचे से, अगर जैसे कि मेजर गौरव ने कहा कि अगर कोई JF-17 थंडर भी आ गया या JF-16 भी आ गया तब भी पता नहीं लगेगा, कुछ एक स्पेसिफिक रेंज होती है, इस वजह से पता नहीं लगा, ठीक है। और कुछ हद तक इनकी बात, मतलब कुछ हद तक नहीं कह सकता, काफ़ी हद तक दुरुस्त भी लगी, क्योंकि ये वाक्य पहले हो चुका है पाकिस्तान के साथ भी, जब उसामा बिन लादन ने अंदर बात किया इन्होंने कि उसामा बिन लादन को जब जो है ना मारने के लिए जब अमेरिकन फौज आई थी तो वो भी इसी तरह आई थी बिलो द रडार सिस्टम, हालांकि उनके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस थी, वो मतलब कह रहे हैं कि कह सुना है कि वो डिटेक्ट भी नहीं होने थे हेलीकॉप्टर अगर वो रडार से रेंज के ऊपर भी होते तो, लेकिन वो फिर भी रडार की रेंज से नीचे नीचे बिल्कुल नीचे नीचे आए थे और कार्रवाई करके चले गए। तो उस वक्त भी यही हुआ था, पाकिस्तानी रडार सिस्टम उन हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, वो अलग बात है, वो टेक्नोलॉजी इन्होंने फिर कमर चीमा साहब ने कहा कि वो अलग टेक्नोलॉजी थी, ये तो आम सा जो है ना ड्रोन था, ये तो आराम से डिटेक्ट हो सकता था। अब ये सारी बहस चल रही है, हम अब इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, मतलब अभी इसमें जो है ना मजीद पेशरफ्त होगी, अभी मजीद जो है ना इंक्वायरी होगी, फिर फाइनल रिपोर्ट कही जा सकती है। अभी जो ये बातें चल रही हैं, पाकिस्तान कह रहा हमने नहीं किया, इंडिया कह रहा पाकिस्तान ने ही किया है, ये मतलब ऊपर ऊपर से बातें सारे कर रहे हैं, कोई इनके पास अभी प्रूफ ना पाकिस्तान के पास है कुछ इस तरह का दिखा सकें और ना इंडिया के पास है, लेकिन इंक्वायरी अगर हुई और सबूत आ गए तो ये मैं वाकई जो है ना अफसोस के साथ कहता हूँ कि ये बहुत ही गलत हरकत होगी अगर ये पाकिस्तान की साइड से हुई है तो, ठीक है, क्योंकि हमेशा से हम यही बात कर रहे हैं, हमारी काविशें ये हमारा चैनल इस वजह से बना है कि हम पीस जो है ना उसको प्रमोट कर सकें, लोगों के साथ लोगों के दरमियान प्यार बढ़ा सकें, लेकिन इस तरह के कामों से फिर नफरत जो है ना फिर वो उठती है, नफरत ही फैलती है, मोस्टली लोग तो चीज़ को समझ जाते हैं कि यार ये जो है ना मतलब मिलिट्री बेसिस पे जो है ना और गवर्नमेंट बेसिस पे एक दूसरे के साथ ये जो है ना सियासत चल रही है, इससे ये होता रहना, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको पर्सनली ले जाते हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हो जाते हैं और पाकिस्तानी लोग इंडियन लोगों के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं, यार ये ऐसे है इंडिया वैसे है, इंडिया कहता है पाकिस्तान ऐसे है, ठीक है ना। हालांकि अब ये जो कुछ भी हुआ है, अब एक आम बंदा जो मुझे सुन रहा है वो बताए कि उसको इतना सा भी नॉलेज होगा इस कार्रवाई से पहले या मुझे होगा, नथिंग। मोस्टली लोग जो हमारे आम जनता है, आम लोग हैं, उनको इस चीज़ों का पता ही नहीं है, पता बाद में लगता है ये क्या हो गया, अंदर की कहानियाँ पता नहीं क्या से क्या होती हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं स्ट्रॉन्गली कंडम करता हूँ अगर ये किसी और कंट्री, मतलब अगर ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है तो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर भी जो है ना इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। अंदर बहुत सारी उन्होंने बातें इस तरह की हैं ना, तो दोनों साइडों की बातें हमने सुनी, अगर आपने नहीं सुनी तो ये वीडियो ज़रूर देखें पूरी, बहुत मज़े की वीडियो थी, स्पाइसी मतलब अंदर बातें हुई हैं बहुत सारी जो है ना, और कुछ खट्टी मीठी बातें मज़े की बातें हुई हैं, 1971 की अंदर बात भी हुई है, वो तो हम पहले उस पर वीडियो बना चुके हैं, खान सर की भी, डिफेंस डिटेक्टिव की भी, उसको हम जो है ना मैं मतलब हम हर बंदा मानता है कि वो हम हारे थे, 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था, वो एक अलग मतलब कहानी है, वो होगी, आप उसकी वीडियो भी ज़रूर देखें अगर नहीं देखी तो। और अंदर एक मज़े की बात मुझे याद है, इन्होंने कोयटा की है कि 2025 में कोयटा में जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत होगी, तो यार बड़ी मज़े की बात की है, खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं इस वक्त कोयटा में बैठा हूँ, ठीक है। तो इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे, वीडियो का टाइटल होगा बलूचिस्तान विल बी द न्यू बांग्लादेश, ये हम इस पर वीडियो अगर आप चाहते हैं हम बनाएं नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसकी मैं डिटेल से मतलब इस पर फिर हम रिएक्शन ज़रूर देंगे, क्योंकि इस वक्त मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ 3 साल से बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। तो मज़ा आएगा मुझे इस वीडियो में रिएक्शन देते हुए, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल में इसी के साथ जो है ना आपके प्यार के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर कोई गलती हुई है नीचे हमारी करेक्शन ज़रूर कर दें, मज़ा आएगा, मैं खुशी से उस बात को तस्लीम करूँगा, मुझे खुशी होगी अपनी करेक्शन देख के। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।